हेलो एवरीवन, दिस इज़ रामकेवल एंड यू वाचिंग स्किट्सल ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के पोएट्री सेक्शन के फर्स्ट पोइम द फाउंटेन की, और इसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी एक्सप्रेशन। जैसा कि आप जानते होंगे कि मैंने ये वीडियो पहले भी अपलोड किया हुआ है, लेकिन फिर से एक नए तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग कह रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए चैनल लाया तो एक बार और एक्सप्लेन करने में क्या है। चलिए देखते हैं किस बारे में है ये पोइम। फाउंटेन मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। फाउंटेन मतलब होता है फवारा। फाउंटेन मतलब होता है फवारा, ठीक है। पहला स्टांजा, सॉरी पहला, हाँ स्टांजा देखते हैं। पैसेज तो प्रोज में होता है, ठीक। तो पहले, सबसे पहले पोएट कहते हैं कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन यानी कि जो धूप या प्रकाश होता है, धूप का प्रकाश, दिन में जो धूप निकलती है तो उस समय फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से भरा हुआ होता है, लाइट से भरा रहता है। कौन? फवारा। फवारे की ही बात हो रही है, ठीक है। तो फवारा जो है वो धूप में प्रकाश से भरा रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग मतलब होता है उछलना कूदना, तो उछलता कूदता रहता है, उछलता कूदता रहता है। कब से कब तक? फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न मतलब मॉर्निंग, नाइट मतलब रात, यानी सुबह से लेके रात तक हम कह सकते हैं कि धूप में प्रकाश से रहता है भरा भरा, सुबह से लेके रात तक उछलता कूदता फवारा, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टांजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टांजा में बात हुई है इनटू द मूनलाइट। पहले सनलाइट, मूनलाइट, मूनलाइट मतलब चांदनी रात। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। चांदनी रात में क्या होता है? वाइटर देन स्नो, वाइटर मतलब से सफ़ेद, देन स्नो बर्फ़ से भी सफ़ेद दिखता है। चांदनी रात में बर्फ़ से सफ़ेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मतलब होता है हिलना, वेव मतलब क्या होता है? हिलना, तो हिलता है। सो मतलब की तरह से, फ्लावर लाइक फूल की तरह से, फूल की तरह से हिलता है। व्हेन द विंड्स मतलब हवा, ब्लो मतलब बहती है। इनटू द मूनलाइट एक बार और देखते हैं। चांदनी रात में बर्फ़ से सफ़ेद दिखता है, और जब हवा बहती है तो फूलों की तरह हिलता है, ठीक। ये हो गया दूसरा स्टांजा। चांदनी रात में बर्फ़ से सफ़ेद दिखता है, जब हवा बहती है तो फूलों की तरह हिलता है। फवारे की ही विशेषता बता रहे हैं पोएट। अब बात करते हैं थर्ड स्टांजा की, तो इसमें स्टार लाइट बार। इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। जब तारे होते हैं, तारों की रोशनी में कैसा होता है? तो तारों की रोशनी में रशिंग इन स्प्रे, स्प्रे मतलब फुहारा, ठीक है। फुहारे के रूप में, रशिंग मतलब दौड़ना होता है तो भागता है, फुहारे की तरह से तेज़ी से भागता है। तारों की रोशनी में तेज़ी से फुहारे की तरह भागता है। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, हैप्पी मतलब खुश रहता है, एट मिडनाइट आधी रात को भी, हैप्पी बाय डे दिन में भी। तारों की रोशनी में या तारों के प्रकाश में फुहारे की तरह दौड़ता है या भागता है, आधी रात हो या हो दिन, हमेशा खुश रहता है, हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, ओके। तारों की रोशनी में फुहारे की तरह भागता है, आधी रात हो या दिन हो, हमेशा खुश रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टांजा की तरफ। तो नेक्स्ट स्टांजा में कहा जा रहा है कि एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेयरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अवियरी। एवर इन मोशन, एवर मतलब हमेशा, हमेशा मोशन में यानी कि गतिमान रहता है। हमेशा कैसा रहता है? तो गतिमान रहता है, हमेशा गतिमान रहता है। ब्लिथसम एंड चेयरी खुश और प्रसन्नचित रहता है, हमेशा गतिमान रहता है, खुश रहता है, प्रसन्नचित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हेवनवर्ड मतलब स्वर्ग की ओर अग्रसर, मतलब आगे की तरफ बढ़ देना ना, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहता है, आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं मुड़ता, हमेशा आगे बढ़ता है। नेवर वियरी, कभी थकता नहीं है, ठीक है। हमेशा गतिमान रहता है, हमेशा खुश और प्रसन्नचित रहता है, हमेशा आगे बढ़ता है, कभी थकता नहीं है। तो इसको मिला करके कह सकते हैं कि हमेशा गतिमान रहता है, खुश और प्रसन्नचित रहता है, हमेशा आगे बढ़ता है,
कभी नहीं थकता है। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टांजा की तरफ। नेक्स्ट स्टांजा है हमारा, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड मतलब होता है खुश, यानी कि प्रसन्न। ऑफ ऑल वेदर हर मौसम में खुश रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट हमेशा सबसे अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा प्रतीत होता है, ठीक है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड चाहे ऊपर जाना हो या डाउनवर्ड या नीचे जाना हो, ऊपर जाना हो नीचे जाना हो, मोशन डायरेस्ट हमेशा चलता रहता है, गतिमान रहता है, गति में ही उसको आराम मिलता है। हर मौसम में खुश रहता है, हमेशा सबसे अच्छा प्रतीत होता है, आगे ऊपर जाना हो या नीचे, गति में ही वो आराम ढूंढता है, हमेशा गतिमान रहता है, मोशन डायरेस्ट गति में ही उसको आराम मिलता है। अगला स्टांजा है, इसमें कहा गया है कि फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर एक ऐसे नेचर से भरा हुआ है जिसको नथिंग कैन टेम, टेम मतलब होता है गुलाम बनाना, जिसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। फवारे का ऐसा नेचर, ऐसी प्रकृति है कि उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता, उसको कोई बांध करके नहीं रह सकता है। बंधक, बंधुआ मजदूर जिसको गुलाम कहते हैं, बंधुआ मजदूर कहते हैं, तो गुलाम बना करके कोई नहीं रख सकता है, बांध करके नहीं रह सकता, उसका नेचर ही ऐसा है, कहते हैं ना उसकी प्रकृति ऐसी, उसका नेचर ही ऐसा है कि वो ऐसे ही करता है। तो फवारे का नेचर है कि उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट हर पल बदलता रहता है, एवर द सेम फिर भी हमेशा एक जैसा रहता है, क्योंकि बदलाव और मोशन ही उसका क्या है, रेस्ट है। तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है जैसे कहा जाता है, तो यहाँ भी वही है कि मोशन द रेस्ट मतलब हमेशा बदलता है फिर भी एक जैसा रहता है, क्योंकि वो बदलना ही उसका प्रकृति है, उसका नेचर है। अगला स्टांजा है, सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस मतलब निरंतर, निरंतर एस्पायरिंग आगे बढ़ते हुए, प्रेरणा देते हुए, सीजलेस कंटेंट हमेशा स्थाई है, मतलब स्थाई मतलब कहने का है, गतिमान तो है लेकिन अस्थाई मतलब क्या है कि हमेशा गतिमान है। तो गति में रहना, गति में रहना या गतिमान होने की जो अवस्था है ना उसकी, वो उसके लिए स्थाई है। तो गतिमान अवस्था उसके लिए परमानेंट हो गई है, इसलिए कंटेंट कहा जा रहा है, ठीक। डार्कनेस और सनशाइन चाहे अंधेरा हो या फिर सनशाइन धूप हो, दाई एलिमेंट ये सब उसके तत्व हैं, मतलब वो हर चीज़ में खुश रहता है, सुख दुख जैसे। इससे इंसान को भी ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी हर समय खुश रहना चाहिए और पछताना नहीं चाहिए, इंजॉय करना चाहिए मोमेंट को। आगे दिया जा रहा है, इस स्टांजा में कहते हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन लेट माय हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस फाउंटेन है शानदार फवारे, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी हैं। पोएट यहाँ कह रहे हैं कि आप तो मतलब अनेकों क्वालिटी से भरे हुए हैं, गुणों से भरे हुए हैं। लेट माई हार्ट बी अब मेरे हृदय को भी आप हो जाने दीजिए, कैसा, फ्रेश तरोताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट अस्थाई, तरोताज़ा परिवर्तनशील और अस्थाई हो जाने दीजिए, मैं भी मतलब आप ही के जैसा बनना चाहता हूँ। और कैसा, अपवर्ड लाइक दी, हमेशा अपवर्ड यानी कि ऊपर उठना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे भी आपकी तरह से बनना है, मेरे हृदय को भी आप अपने जैसा बना दीजिए, जो फ्रेश हो, चेंजफुल हो, कांस्टेंट हो, अपवर्ड हो आपकी तरह से। तो ये था आपका पोएम फाउंटेन, द फाउंटेन पहला पोएम था। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।